टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ हैज एंड हैव इन डेली लाइफ कन्वर्सेशन, हाउ टू यूज ऑफ हैज एंड हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ हैज और हैव. हैज और हैव जनरली साथ होता है, साथ का मतलब, और रखने का अधिकार, इसको हिंदी में हैज और हैव को बोल सकते हैं. ओनरशिप या रिलेशनशिप से रिलेटेड सेंटेंस हमें इसका अगर मीन्स की बात करें तो ओनरशिप या रिलेशनशिप को व्यक्त करता है हैज एंड हैव. सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यूज़ ऑफ हैज एंड हैव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन. नाउ राम, अगर हम स्टार्ट करें इसके कुछ, लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे राम का एक भाई है. तो राम हैज अ ब्रदर. सीता के दो बहनें हैं. सीता हैज़ टू सिस्टर्स. मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. उसके पास एक पेन है. उसके पास एक पेन है. ही हैज़ अ पेन. मेरे पास 10 टॉफियां हैं. आई हैव 10 टॉफीज. उसके पास एक मकान है. तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ही हैज़ अ हाउस. हमारे पास दो दुकानें हैं. वी हैव टू शॉप्स. मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है. माई फादर हैज़ अ फार्म हाउस. उसे बुखार है. ही या शी हैज़ अ फीवर. नाउ उसके पास कई मकान है. ही और शी हैज़ अ मैनी हाउसेस. उसे अनुभव है, मतलब ही हैज़ एक्सपीरियंस. सुरेश के पास एक रंगीन टीवी है. रंगीन टीवी मतलब कलर टीवी. सुरेश हैज़ अ कलर टीवी. मेरे पास एक स्कूटर है. आई हैव अ स्कूटर. मेरे माताजी के पास एक हार है. माय मदर हैज़ अ नेकलेस. मेरी बहन के पास एक बैग है. माय सिस्टर हैज़ अ बैग. सरला के पास एक कुर्सी है. सरला हैज़ अ चेयर. नाउ मनीष के पास 20 पेन है. मनीष हैज़ 20 पेन्स. हर्ष के पास 4 कंप्यूटर हैं. हर्ष हैज़ 4 कंप्यूटर्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. बट बिफोर स्टार्ट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्लीज नोटेड दैट इस तरह के जो हमने अभी सेंटेंस डिस्कस करे थे स्ट्रक्चर के बिहार पर हमने जो सेंटेंस डिस्कस करे थे उनको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ नोट करने की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं. इस तरह के जो वाक्य होते हैं, नाउन के पूर्व अगर कोई यदि एडजेक्टिव भी हो तो निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव को नाउन के पूर्व लगाया जाता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. जो नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, ना कि नाउन के बाद. तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सल्ला के पास एक सुंदर मकान है. तो सुंदर जो है वो एडजेक्टिव है और मकान नाउन है. इसी तरह से अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो सल्ला हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सल्ला के पास एक काला बैग है. सल्ला हैज़ अ ब्लैक बैग. उसे अच्छा अनुभव है. ही और शी हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस. मेरी माता जी के पास सोने की अंगूठियाँ हैं. माई मदर हैज़ गोल्डन रिंग्स. उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है. ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश. इन सब में एडजेक्टिव बिफोर नाउन आया है. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस नाउन. नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू नेगेटिव सेंटेंस. अगर हम एग्जाम्पल लें तो आई हैव अ कार. जैसे आई हैव अ कार अफर्मेटिव है. अगर इसका हम नेगेटिव बनाए तो इसको हम तीन तरह से बना सकते हैं. आई हैव नो कार. आई हैव नॉट अ कार. आई हैव नो एनी कार. इस तरह से हम सेंटेंस को कई तरह से बना सकते हैं. ही हैज़ थ्री ब्रदर्स. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ही हैज़ थ्री ब्रदर्स अफर्मेटिव है. ही हैज़ नो ब्रदर्स. ही हैज़ नॉट एनी ब्रदर. ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर. सी हैज़ अ हाउस. सी हैज़ नो हाउस. सी हैज़ नॉट एनी हाउस. सी डज नॉट हैव एनी हाउस. माई ब्रदर हैव 5 चेयर. माई फ्रेंड्स हैव नो चेयर. माई फ्रेंड्स हैव नॉट एनी चेयर. माई फ्रेंड्स डू नॉट हैव एनी चेयर. इस तरह से हम तीन तीन टाइप से अनदर और करके सेंटेंस को बना सकते हैं. कई भी इंग्लिश में एक फॉर्म को कई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं एंड इसके एग्जांपल भी बहुत सारे स्पोकन हम हमारे द्वारा हो चुके हैं. नाउ टुडे आल्सो स्टार्टेड रिलेटेड टू हैज एंड हैव. आई हैव अ कार. हैव आई अ कार. डू आई हैव अ कार. राम हैज़ टू ब्रदर्स. दे हैव थ्री होटल्स. हैव दे थ्री होटल्स. डू दे हैव थ्री होटल्स. यू हैव अ लार्ज हाउस. यू हैव अ लार्ज हाउस. हैव यू अ लार्ज हाउस. डू यू हैव अ लार्ज हाउस. ये थे आज के. यूज ऑफ गॉट. गॉट को कैसे यूज करते हैं? गॉट को जनरली इंप्रेसिव सेंटेंस लगने लगे इस वजह से इसको यूज कर सकते हैं. आई हैव अ कार. जैसे आई हैव गॉट अ कार. सी हैज कर्ली हेयर. सी हैज गॉट कर्ली हेयर. हैव यू टाइम. हैव यू गॉट टाइम. शी हैज अ नाइस
voice. She has got a nice voice. She has got a nice voice. Has she a nice voice? Has she got a nice voice? My father has a farmhouse. My father got a farmhouse. Ram has a sharp nose. Ram has got a sharp nose. They have three houses. They have three houses. They have got three houses. We have five kind of fish. We have got five kind of fish. I have a large house. I have got a large house. Remember, one more things. Always have is uses with I, you, we, they, एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज यूज़ करते हैं हैव का एंड हैज का यूज ऑलवेज ही सी इट के साथ एंड नेवम एंड नेम एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हैज का. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ स्पेशल है. जैसे इन सेंटेंस में डस का यूज हमेशा हैज के साथ करते हैं, हैज के साथ नहीं करते हैं सॉरी, जबकि हैज के स्थान पर हैव का यूज होता है. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. हैव कॉन्फिडेंस and you will win succeed. Thank you. Ashley Tanai. If you like our videos, then please subscribe to my channel. Hit the like button. I hope you all always learn something new. Thank you.